नमस्कार, नवयुग आप देख रहे हैं और मैं हूं प्रिया राजपूत। हम हमेशा नवयुग में कोशिश करते हैं कि जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन पर हम बात करें। आज एक ऐसा मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं जिसके बाद आप सब कहीं ना कहीं अपनी भी राय जरूर देंगे, क्योंकि जम्मू में अगर देखा जाए तो एक मुद्दे को लेकर लगातार जो एक वर्ग है वो प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। ये मुद्दा है मास प्रमोशन को लेकर। जैसे 10वीं कक्षा का जब रिजल्ट निकला था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फेल हो गए थे, और जो फेल हुए हैं वो आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें मास प्रमोशन चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना तर्क ये दिया है कि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं थी जिस वजह से हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पाए अच्छे से। ना हमारे पास मोबाइल था, ना हमारे पास इंटरनेट था, और ना ही इतना पैसा था कि हम एक लैपटॉप खरीद पाए। तो ये उनके तर्क बताए जा रहे हैं जो विद्यार्थी हैं। अब उनका यह कहना है कि जब हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं थी तो हमें पास करना चाहिए, और मास प्रमोशन की मांग को लेकर आए दिन ये सड़कों पर दिखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम किसी बाकी डिपार्टमेंट की भी बात करें तो अभी तक फिलहाल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इन के साथ ही दिखते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भी तर्क कहीं ना कहीं सही मान रहे हैं। और वहीं अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल की थी, कश्मीर घाटी में उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि छोटे बच्चों पर किस तरह से बर्डन होता है पढ़ाई का, उसको लेकर उसने अपील की थी पीएम मोदी से, जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने भी उस पर कड़े कदम उठाते हुए बर्डन कम करने के प्रयास किए थे। पर अभी तक देखा जाए तो ये 10वीं कक्षा के विद्यार्थी जो आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी अपील जो है एलजी मनोज सिन्हा से है, पर अभी तक इनकी अपील को पूरी तरह से नहीं माना गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 6 साल की बच्ची की बात मानी गई थी, इन 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी मानी जाती है, इनको मास प्रमोशन मिलता है या नहीं मिलता है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। पर आज इस मुद्दे पर हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पता चल पाए कि जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहां तक सही है और सरकार को कौन से कड़े संज्ञान लेने की जरूरत है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, अरुण कपूर जुड़ चुके हैं जो प्रेसिडेंट है पेरेंट एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस से, इनसे भी आज बात करेंगे। और हमारे दूसरे गेस्ट अभी जुड़े हुए हैं अल्ताफ अहमद जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले हम अरुण कपूर जी से सवाल पूछेंगे जिससे पता चलेगा कि लगातार जो बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं वो कितने सही, क्योंकि हमेशा ही बच्चों के समर्थन में रहते हैं और स्टूडेंट्स को फीस को लेकर भी जो प्रदर्शन हुआ था उन पर इन्होंने भी हमेशा उनके समर्थन दिया था। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अरुण जी, बताइएगा कि जिस तरह से विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू संभाग में, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी अब ये चाहते हैं मास प्रमोशन हमें जल्द से जल्द दिया जाए, तो बताइएगा कि क्या लगता है जो विद्यार्थी मास प्रमोशन मांग रहे हैं उनका तर्क कितना सही लगता है आपको? हेलो जी अरुण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैम, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है मैम? जी बिल्कुल, आप सुनाई दे रही है। आपसे पहला सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर एक ही मांग कर रहे हैं कि मास प्रमोशन चाहिए, तो क्या लगता है कि उनकी ये मांग कितनी जायज है? मैम बिल्कुल जायज मांग है ये, आप खुद बताइए कि आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा था। जब यहाँ पे 2G चल रहा था तो वाईफाई कनेक्शन नहीं थे 2G के ऊपर, यहाँ मैक्सिमम रूरल एरिया ज्यादा है। जब रूरल एरिया ज्यादा है तो 2G के ऊपर बच्चे कैसे स्टडी कर पाएंगे, आप खुद समझदार हैं। ये मैक्सिमम जो हमारा जम्मू कश्मीर है रूरल एरियाज में गरीब लोग ज्यादा है, बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं थे, लोगों के पास 2G सिर्फ सिटीज में चलते थे, और रूरल एरियाज में 8वीं नेट 4G होने के बावजूद भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है, तो वहां पे बच्चे कैसे सर्वाइव कर पाते। और रही बात इनके बच्चों की मांग, तो बिल्कुल जायज मांग है उनकी, इनको बच्चों को मास प्रमोशन दे दी जानी चाहिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि जब बच्चों को ऑनलाइन स्टडी देने में आप विफल हो चुके हैं, सरकार विफल हो चुकी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सेंट्रल सरकार से कि सेंट्रल सरकार ने जब COVID-19 आया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम 12 चैनल्स लाएंगे, क्योंकि टीवी हर एक घर घर में है, चाहे रूरल एरियाज हो पहाड़ों पे टीवी हर एक घर में है, तो हम 12 चैनल्स लाएंगे जिसके लिए ऑनलाइन स्टडी हर एक बच्चा बच्चा कर पाएगा। लेकिन कोई चैनल्स नहीं आए, कोई गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, मैक्सिमम जो ऑनलाइन स्टडी देने में ये लोग विफल हो चुके। बिल्कुल आप जी अरुण जी, आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर सरकार को कड़े संज्ञान लेने चाहिए थे। इस पर और भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अल्ताफ अहमद है, इनसे भी सवाल बनता है कि आखिरकार सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में भी हम डेवलपमेंट करवाएंगे, शिक्षा जो विभाग है उसको और मजबूत करने की भी पूरे प्रयास करेंगे। चलिए जी अल्ताफ जी, आप बताइएगा कि जो विद्यार्थी अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी मांगे जो थी फिलहाल अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है, मास प्रमोशन का मुद्दा उनका ये कहना है कि हमें पूरी नहीं दी गई थी, अगर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि उन विद्यार्थी को देखा जाए, क्या उनके पास फोन है, क्या उनके पास लैपटॉप है, क्या उनके पास इंटरनेट है? जब ये फैसिलिटीज नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगी?
देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए जहां तक आप बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, आज जम्मू कश्मीर के लगभग लगभग हर एक खिते में इंटरनेट जो है, इंटरनेट चलता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मास प्रमोशन की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि जम्मू कश्मीर देहातों में बसता है, गांव में बसता है, और बेशतर जो लोग हैं उनके पास ऐसी फैसिलिटी है, स्मार्टफोन नहीं हो सकते जी। लेकिन कोविड की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम यहां ठप पड़ा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन सिस्टम को वापस चालू करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए। और मैं जी बिल्कुल समझता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू तो की, पर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे कैसे बच्चे, जिनके पास फोन ही नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि ऑनलाइन में जूम एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल होता है, स्काइप में कैसे पढ़ाई होती है, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे होती है, जब उनके पास फोन ही नहीं है, जब उनके पास लैपटॉप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑनलाइन जो एजुकेशन वो करने के लिए कहां से अपने फैसिलिटीज लाएंगे, ये यहां पर सबसे मुद्दा तो ये रहता है सबसे बड़ा। देखिए प्रिया जी मैं कह चुका हूँ, पिछले दो साल ने जो एजुकेशन सिस्टम था, इस सिस्टम को ठप करके दिया, ये भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। लेकिन एक पार्लर सिस्टम यहाँ गवर्नमेंट ने खोजा और उसको शुरू कर दिया कि ऑनलाइन क्लासेस यहाँ शुरू की, तो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते जितने बच्चे। लेकिन यहाँ मास प्रमोशन का मसला नहीं है। देखिए मास प्रमोशन ठीक है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को बच्चों की डिमांड सुननी चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो उनको मास प्रमोशन देनी। लेकिन इशू ये नहीं है, देखिए आज का बच्चा जो है उसको आज इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन है और मास प्रमोशन उसका इलाज नहीं है। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक बच्चे पढ़ेगी नहीं, तब तक वो कंपटीशन नहीं कर सकती, ये मसला नहीं है। और दूसरा भी आपने क्वेश्चन किया, एक छोटी सी बच्ची ने जो देश के प्रधानमंत्री को गुहार लगाई थी कि बोर्ड हमारे पास ज्यादा बर्डन होता है, इसको कम कर दीजिए, देखिए उस एंगल से मत दीजिए, बच्ची छोटी थी, उसने गुहार लगाई, एंगल वो नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट जो है की जा रही, क्योंकि विद्यार्थी तो दोनों ही है, ये पक्ष भी विद्यार्थी है, अगर इनको मास प्रमोशन नहीं दिया जाता है, पर कम से कम कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कम से कम सड़कों पर ना वो उतरे। देखिए प्रिया जी, मास प्रमोशन दे देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ये एक कंसा बन गया है कि जिस क्लास देखिए जिस क्लास के बच्चे हैं जी, बिल्कुल मास प्रमोशन का समर्थन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने कोशिश की है बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के साथ इन्वॉल्व करने के लिए, उस पर उन्होंने टीवी के जरिए भी क्लासेस शुरू कर दी और रेडियो को भी उन्होंने साधन बनाया ताकि बच्चे सीख सके और बढ़ सके। और आज भी देखिए जम्मू कश्मीर में आज लगभग हर एक इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को ऑनलाइन के जरिए क्लास देती है। मैं समझता हूँ ये उसका ऑप्शन नहीं हो सकता है, जिस तरह बच्चे क्लास में जाके स्कूल में जाके पढ़ते थे, ये उसका बदल नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे मास प्रमोशन मांग रहे हैं, आज वो जब 10th क्लास में फेल हो गए, मुझे बताए कल उनका नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कल जब उनका कॉम्पिटिशन है, तो वो बच्चे वहां क्या करेंगे, जब उनको मुफ्त में प्रमोशन मिलती रहेगी। बिल्कुल अरुण जी, इस पे आप अपना काम कीजिएगा कि जो बच्चे 10th में पास नहीं हो पा रहे, वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपना जो है कंपटीशन करेंगे, इस पर आप बताइए, जिस तरह से अल्ताफ साहब ने बोला, इस पर क्या बोलना चाहेंगे। देखिए मैडम, ये बोल रहे हैं जब आपके टीचर्स, आपकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल विफल हो चुकी है ऑनलाइन स्टडी देने में, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे आप मुझे बताइए। बच्चों ने अगर घर में ही पढ़ना होता तो वो स्कूल क्यों डालते बच्चों को, जब आप ऑनलाइन स्टडी करवा ही नहीं पाए, आप 2G पे ऑनलाइन 2G पे इंटरनेट दे ही नहीं पाए घर घर, तो आप कैसे ऑनलाइन स्टडी बच्चों को करवा सकते थे। आज बच्चों की डिमांड बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप 2 पेपरों के ऊपर कैसे डिसाइड कर सकते हैं 500 पेपरों का रिजल्ट। कोई इंग्लिश में बच्चा अच्छा होता है, कोई हिंदी में अच्छा होता है, कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है। आपने 2 पेपर लिया, 2 पेपरों के ऊपर डिसाइड कर लिया। बिल्कुल जी, अरुण जी आपके पास फिर से लौटेंगे, अभी हमें फिलहाल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद फिर से सवाल पूछेंगे। चलिए इस वक्त थोड़ा वक्त हो चुका है छोटा ब्रेक लेने के बाद, जिसके बाद हम फिर से, इस ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम मास प्रमोशन के मुद्दे को भी बात यहाँ पर सामने रख रहे हैं, और दूसरा ये है कि आखिरकार विद्यार्थी जो फेल हुए थे उनके और क्या पक्ष है जिन पर बात करने की यहाँ पर जरूरत है। चलिए इसके साथ हमारे तीसरे गेस्ट भी साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है जयदेव सिरवाल, हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बताएंगे कि आखिरकार उनका क्या पक्ष है, क्योंकि हमने पहले बात की है, अल्ताफ साहब से भी बात की और अरुण कपूर से भी बात की, जो विद्यार्थियों का यह पक्ष रख रहे हैं। जी सिरवाल साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू की अलग अलग सड़कों पर विद्यार्थी दिख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हम इस वजह से फेल हुए, तो आप कितना पक्ष उनका सही मानते हैं, कि क्या लगता है जो विद्यार्थी अपना पक्ष दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम इस वजह से फेल हुए, क्या सरकार को संज्ञान लेने की इस वक्त इन पर जरूरत है, या फिर जो फेल हो चुके हैं उनको रीफेयर एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए। जी
मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि कल जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, सबसे पहले तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस चीज की कि विद्यार्थियों पर इस तानाशाह सरकार ने लाठियां बरसाई। उन उस दसवीं में पढ़ने वाले मासूम बच्चों पर लाठियां बरसाई गई इस तानाशाह सरकार की तरफ से। कल भी प्रदर्शन करने वाले बच्चों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गए। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव और हमारी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी यहाँ आई थी और वो बच्चे जो है वो उनसे भी मिलने के लिए आए और ये मांग की कि आप इन बच्चों की डिमांड्स को जो है इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाएं। आप देखिए कि ये जो मुद्दा आज हम देख रहे हैं ये दरअसल मोदी जी के डिजिटल इंडिया का भंडाफोड़ता है कि किस तरह से देश की जनता को भ्रमित करके झूठ बोल के कि हर चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, पर दरअसल खास तौर पर जम्मू कश्मीर में पिछले दो सालों में जो बुरा हाल मोदी शाह सरकार ने किया हुआ है ये उसका एक प्रमाण पत्र है कि लोगों को तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियंस को तो छोड़ दीजिए, अब विद्यार्थी तक परेशान हो गए हैं, अब इस देश का भविष्य तक परेशान हो गया है। अल्ताफ साहब आप सुनिएगा पूरा, इसके बाद आपकी ओर लौटेंगे और आपका भी पक्ष जाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सिरवाल साहब ने बोला हुआ है कि सरकार जो गूंगी बहरी होकर सुन तो रही है पर कुछ कर नहीं रही है, इस पर पूरा इनका स्टेटमेंट सुनते हैं उसके बाद आपकी तरफ लौटेंगे कि आखिरकार आप क्या बोलना चाहते हैं, किस वजह से इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। चलिए बिल्कुल सिरवाल साहब आप कंटिन्यू करिए जो आप बोलना चाह रहे हैं कि किस वजहों से लगता है कि जो विद्यार्थी है वो फेल हुए हैं, क्या फार्मूला जो था रिजल्ट का उसमें कुछ गलती है या फिर जो फैसिलिटीज देनी चाहिए थी विद्यार्थियों को वो भी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई उनको। जी देखिए मैं आपको स्पष्ट करूं, अरुण जी बता रहे थे कि ये एक बार फेल हो जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे, क्लासेस ऑनलाइन लग रही है। अरुण जी को पूछिए कि क्या इनको पता है कि हमारे यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन कितनी है, बिल्कुल कितने बच्चे रूरल एरियाज में पढ़ते हैं, मड़वा वाड़वन दक्षिण ये किश्तवाड़ के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस नहीं है। जम्मू के मैं कितने आपको पहाड़ी जिले गिनाऊं जहां पर प्रॉपरली 2G नहीं चल रहा है। सही बोल रहे हैं, यहां पर आपका कहना बिल्कुल जायज है क्योंकि डोडा बदरवा किश्तवाड़ रजौरी रामबन पुंछ ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर बच्चे आज भी 2G जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़कर उनको देखना पड़ता है कि गूगल में कहां पर क्या कुछ चीजें हैं, सर्च मारने के लिए भी पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। ये हालात है हमारे देश के और ये हालात हमारे जम्मू कश्मीर के, क्या ऑनलाइन एजुकेशन यहां पर होगी जब बच्चों को ये भी नहीं पता कि 2G इंटरनेट कैसे चलाया जाता है। जी बिल्कुल सिरवाल साहब कंटिन्यू करिए आप। मैंने कहा ये लोग टीवी पर आके तो बहुत आसानी से डिबेटें करके चले जाते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, तो चिंता का विषय ये है चाहे बच्चे फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, चिंता का विषय ये है कि हमारा भविष्य सड़कों पर है, सोचने की बात है, पर ये लोग इस पर नहीं सोचेंगे। इनको आप जब भी कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे कि देखिए इन तो भारतीय जनता पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं, पर इनको संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। ये बच्चे नहीं, इस देश का भविष्य है, जम्मू कश्मीर राज्य का भविष्य है। अब आप इन पर भी लाठियां चलाकर इनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। अल्ताफ साहब अब आपसे हम एक सवाल जो बच्चों का है जो विद्यार्थियों का है, अगर कोई विद्यार्थी कुछ गलत कर लेता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? अल्ताफ साहब आप बोलिए क्योंकि जो बच्चे सड़कों पर रोते बिलखते लाठियां खाते दिख रहे हैं वो कितने परेशान हैं, ये चीज किसी से छुपी नहीं है। प्रिया जी सबसे पहले कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर सियासत कर रही है। आज जम्मू कश्मीर के हर एक खत्ते में इंटरनेट चल रहा है और फुल स्पीड चल रहा है, सबसे पहली बात ये बिल्कुल बिल्कुल पक्ष सही नहीं है क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट से मैं खुद रहने वाली हूँ, तो मैं रामबन में जाती हूँ तो मुझे इंटरनेट वहां पर नहीं मिलता। 40% सिलेबस में रिडक्शन देते हुए अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसके माँ बाप को देखना चाहिए कि उसको एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने भविष्य की बात की। हम अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, हम अपने भविष्य को इंटरनेशनल लेवल पर कल उसका कॉम्पिटिशन हो उसके लिए तैयार करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो बच्चे फेल हुए उनको एक बार सोचना चाहिए, उनको फिर एग्जाम में जाना चाहिए और उनको तैयारी करनी चाहिए ताकि वो आगे इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे। अरुण को फिर आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह इन्होंने कहा कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं घर में बैठ के तैयारी करें ताकि वो रिपेयर एग्जामिनेशन में बैठ सके, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए मैडम, ये नाकामयाबी इन लोगों की है, इस गवर्नमेंट की है। आप मुझे बताइए, जब ये ऑनलाइन स्टडी में देने में टोटल विफल हो चुके हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा पुल के ऊपर एक बच्चा सुसाइड कर रहा था, लेकिन वो सुसाइड नहीं था। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ वो क्या हुआ है। एक स्विफ्ट गाड़ी में से एक सरदार लड़का बाहर निकला, उसने हमारे देश के तिरंगे को, बच्चा तिरंगा पकड़ के प्रोटेस्ट कर रहा था, उस तिरंगे को बाहर फेंका और उस बच्चे को मारा, तीन चार चांटे मारे और पुलिस तमाशा देखती रही। और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस दोनों की तरफ से एक भी आवाज नहीं निकालेगी उन बच्चों के हक में। आज हमारे तिरंगे का अपमान हुआ और हमारे चाहेंगे, क्या तर्क है आपका, बोलिए इस पर। तो जब बच्चे को देखिए, तिरंगा की आन बान शान, तिरंगा के खिलाफ किसी कोई बदतमीजी करे वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। सबसे पहली बात, लेकिन मेरा तर्क एक ही है। देखिए आज हम नए हिंदुस्तान में, नए जम्मू कश्मीर में रह रहे और आज अंत का फैसला किया जाए। मेरा इतना ही कहना है, जो बच्चे इतनी रिजर्वेशन देने के बाद फेल हुए, कहीं ना कहीं नाकामी उन बच्चों को देखनी चाहिए कि हम क्यों नाकाम हैं। उन्हें फिर एग्जाम में जाना चाहिए ताकि कल वो नेशनल लेवल तक कंपटीशन के लिए आए और इसी से हमारा भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल, आप सबकी फिर से बात सुनेंगे। यहाँ पर वक्त हो चुका है एक ब्रेक लेने का, फिर से लौटेंगे कुछ देर के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए इसके बाद हम सबका तर्क सुने, सबसे पहले अरुण कपूर के ओर जाना चाहेंगे, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों की मुख्य और क्या डिमांड है। अरुण जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल पूछेंगे कि जो स्टूडेंट्स की यहाँ पर मांग है फिलहाल मास प्रमोशन को लेके, और कौन सी ऐसी मांगे हैं जहां पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इसके बाद हम सीधे अल्ताफ साहब के पास जाएंगे और सिरवल साहब के पास भी जाएंगे, जहां पर इनका तर्क भी सुनेंगे, क्योंकि समय यहां पर बहुत कम रह चुका है। जी अरुण जी, जल्दी जल्दी डिमांड्स बताइएगा। देखिए मैडम, बच्चों की डिमांड पहले मास प्रमोशन है। अगर ये मास प्रमोशन नहीं दे सकते, कोई बीच वाला रास्ता निकाले जहां पे दो सब्जेक्ट के ऊपर आप पांचों सब्जेक्ट कैसे फेल कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हो चुके हैं, तो आप बच्चों को किस तरह, बच्चों पर पूरी जिम्मेवारी कैसे डाल सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात, इनकी गवर्नमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करवा सकी, प्राइवेट स्कूलों की दांधलियां तक नहीं रोक सकी, गवर्नमेंट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं कर पाई। तो किस तरह ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रही है। अगर इनको कुछ सीखना है तो दिल्ली में बैठे सीएम, मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूं, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन दिल्ली में बैठे सीएम केजरीवाल साहब से सीखे कि एजुकेशन पे कैसे काम होता है, हेल्थ में कैसे काम होता है। उन्होंने, अब देखिए यहाँ पे कुछ स्कूल कैसे हैं जो बच्चों को टीसी नहीं दे रहे ब्लैकमेलिंग फीसों को करके, तो उन्होंने वो निकाल दिया कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूलों में टीसी के बिना एडमिशन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर फीसों के लिए निकला, फीस रिड्यूस का, वो जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं निकाला गया। तो यहाँ पे ये नाकामयाबी है। समय बहुत कम रह चुका है, सबका तर्क सुनने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। जहां जेब साहब, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो विद्यार्थी यहाँ पर समर जोन के लगातार सड़कों पर उतरे हैं, क्या बीच का रास्ता कौन सा निकालना चाहिए जहां पर जो बच्चे हैं वो सड़कों पर ना उतरे और उनकी मांगे भी पूरी हो जाएं। मैं दो बातों का पहले जवाब दे दूं कि अमित जी ने कहा था कि जब तिरंगे का अपमान हुआ और ये सब हुआ तो कांग्रेस वाले नहीं आए। तो मैं अमित जी को ये बता दूं कि कल भी युवा कांग्रेस की अगाई ने वहां जाकर प्रदर्शन किया और बच्चों को साथ में खड़े होकर प्रदर्शन किया। और दूसरी बात, जो अल्ताफ साहब ने कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सुविधा बहुत अच्छी है, सब कुछ है, तो मैं अल्ताफ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीडियो एक बार फिर देख लें और अपनी ही वीडियो का हाल देख के इनको इंटरनेट का हाल पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाल कितना अच्छा है। तीसरी और मुख्य बात, जब एक विधान एक निशान एक संविधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक रूल को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है। अगर महाराष्ट्र में मास प्रमोशन दिया गया, राजस्थान में मास प्रमोशन दिया गया, उत्तराखंड में मास प्रमोशन दिया गया, तो जम्मू कश्मीर में मास प्रमोशन देने में इनको कौन सता रहा है। दरअसल इनको एक ही चीज से प्रॉब्लम होती है, वो है लोगों का सुख। इनको सिर्फ लोग दुख में देखने अच्छे लगते हैं, इनको सिर्फ लोगों को पीड़ा देने में मजा आता है, लोगों को सताने में मजा आता है। और आने वाले चुनाव में आप याद रखिएगा, जिस तरह से ये लाठियां बच्चों पर बरसाई है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग इन पर लाठियां बरसा के इनको बाहर कर देंगे यहाँ से। जी बिल्कुल, समय कम रह चुका है। अल्ताफ साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपने दोनों का ही पक्ष सुना, इनकी बात भी सुनी, अब अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या बच्चों की मांगे पूरी होंगी या फिर अगला स्टेप क्या होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए प्रिया जी, जहां तक मास प्रमोशन का सवाल है, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन देके बच्चों को फिर एग्जाम में बिठाना चाहिए।
ताकि वो बच्चे भी उसकी एजुकेशन की अहमियत को समझे और एजुकेशन हमें कल नेशनल लेवल पे या कहीं भी हमें कंपटीशन में उस बात को समझे और उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को समझाइए, उनको घर में क्लासेस दिलवाए, उनको पढ़ाए। और जहां तक इलेक्शन का उन्होंने इसके साथ जोड़ा है, मेरे साथी ने इलेक्शन का जोड़ा, कांग्रेस मुक्त भारत पहले हो चुका है, जैसे दुर्दशा इनकी और स्टेट में हुई है यहाँ भी हो जाएगी। और हमने संकल्प दिया है हम जम्मू कश्मीर को एक मॉडल स्टेट बनाएंगे। समय बहुत कम रह चुका है, बिल्कुल बिल्कुल समय बहुत कम रह चुका है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज हमने बात की मास प्रमोशन का, जो मुद्दा लगातार 10वीं कक्षा के विद्यार्थी उठा रहे हैं और चाहते हैं कि मास प्रमोशन हो जाए, पर आपने सबका पक्ष सुना कि क्या कुछ बोलना चाहते हैं। और फिलहाल देखा जाएगा आने वाले दिनों में कि क्या उनके लिए कोई पॉलिसी निकलती है जो वो पास होना चाहते हैं या फिर री अपेयर एग्जामिनेशन में उनको बैठना पड़ेगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। और आज हमने कोशिश की थी जनता के जो मुद्दे हैं वो आप सामने आपके सामने लाने के लिए। चलिए आप भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उन विद्यार्थियों के लिए क्या होना चाहिए, क्या मास प्रमोशन को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, कल किसी और पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।